हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही पॉपुलर और सुपर टेस्टी रेसिपी, राजमे की सब्जी। राजमा चावल तो सभी को पसंद होता है और काफी लोगों की फेवरेट डिशेस में ये रेसिपी टॉप में होती है। राजमा को मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी तामझाम के, और टेस्ट इतना जायकेदार कि शायद आप ढाबा और रेस्टोरेंट की खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं राजमा, जिन्हें मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया था। फ्रेंड्स, कई बार हम राजमा को भिगाना भूल जाते हैं, तो इसके लिए सिंपल राजमा को 3 से 4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिए और नॉर्मली जैसे बनता है वैसे ही बना लीजिए। फिर राजमा को प्रेशर कुकर में डाल के इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले डालूंगी एक बड़ी इलायची, जिसे 2 टुकड़ों में करके लिया है, और 3 से 4 दालचीनी के स्टिक और 1 चम्मच नमक। नमक डालने से राजमा जल्दी सॉफ्ट होगा और थोड़ा सा नमकीन भी हो जाएगा, वरना राजमा बनने के बाद राजमा थोड़ा सा फीका लगता है। फिर इसमें हम पानी डालेंगे, जितना राजमा है उससे डबल पानी डाल देंगे। फिर राजमा में 3 से 4 सीटी ले लेंगे। सीटी आने के बाद कुकर को ठंडा करके राजमा को चेक कर लेंगे। राजमा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। इसमें हमने जो खड़े मसाले डाले थे उन्हें निकाल के इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके उसमें हम 2 तेज पत्ते डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा। 1 मिनट के लिए जीरे को फ्राई करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच ग्रेट की हुई अदरक। सारी चीजों को एक साथ डाल के मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, और प्याज को हाई फ्लेम में बिल्कुल फ्राई नहीं करना। इससे क्या होगा, प्याज ऊपर से जल्दी फ्राई हो जाएगी और अंदर से थोड़ा सा कच्ची रह जाएगी, क्योंकि राजमा के साथ कच्चा प्याज तो सभी खाते हैं, और यदि यहाँ प्याज कच्ची रह गई सब्जी खाने के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्याज का ही टेस्ट आएगा। इसलिए प्याज को यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से पका लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को भी 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिया है 2 बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी मसाले के साथ ऐड कर देंगे और टमाटर को भी मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे, और साथ में डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब ऐड कर देंगे राजमा। राजमा को भी पूरे मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। राजमा को बिना पानी के 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ पकाएंगे, इससे सब्जी और ज्यादा टेस्टी बनेगी, और साथ में पानी डालने से सब्जी बनने के बाद थोड़ी सी तो फीकी लगती है और साथ में राजमा अलग और पानी अलग अलग लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजमा से बबल्स आ रहे हैं। अब ऐड कर देंगे पानी। पहले यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डालूंगी। यहाँ पर पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि सब्जी बनने के बाद इसकी ग्रेवी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, क्योंकि चावल के साथ थोड़ा सा ग्रेवी वाला राजमा ही अच्छा लगता है। फिर इसे कवर करके मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए राजमा को चेक कर लेते हैं। राजमा से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, राजमा लगभग बनके तैयार है। फिर भी राजमा को 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में मैं और पकाऊंगी, ताकि राजमा थोड़ा सा खुल जाए और सारे फ्लेवर राजमा के अंदर तक पहुंच जाए। 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे। यहाँ पर राजमा थोड़े थोड़े से खुल चुके हैं। फिर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसाले को भी पूरी सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। सब्जी बनके हमारी तैयार है, चलिए इसको सर्व कर लेते हैं।
ऊपर से डाल देंगे एक चम्मच देसी घी, इससे सब्जी का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। लीजिए, हमारा जायकेदार राजमा चावल बनके तैयार है। आप भी बना के एंजॉय कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।